जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आनंद में रखें। बस हमारी यही आपसे ईश्वर से दुआ है, भोलेनाथ से दुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्यार के कड़वे सच के ऊपर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा उन जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके हमेशा लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, अपनी राशिगत जितने भी प्रश्न हैं, क्या होगा, कैसे होगा और जितनी भी चीज़ें हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता लग जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक आप जरूर देखें, और वीडियो की बातों को बहुत गंभीरता से समझें ताकि आपकी कोई भी जो परेशानी है उसका आपको समाधान मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से। हम वीडियो को शुरू करें, हमारी बात को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल से आप जुड़े। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जो भी आपको भोलेनाथ का अच्छा नाम लगे वो लिख दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि सबसे पहली बात है कि प्यार दो व्यक्तियों के बीच जब होता है तो उसमें कई सारी उसके साथ सिचुएशनें खड़ी हो जाती है। उसमें पहली सिचुएशन ये होती है कि बहुत सारे जातक जो हैं वो इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार की वजह से कई सारी तकलीफ़ें और कई सारी परेशानी उनकी खड़ी हो जाती है, और उस वजह से वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम सिर्फ अपने प्यार में और इनमें वक्त देकर वो बहुत हद तक अपने समय को उसमें दे देते हैं, और उसके बाद उनके पास शायद कुछ नहीं बचता है। तो मुख्यतः बात यह है कि देखिए, पहली बात यह कि जब भी आप किसी से प्यार करें उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यार शादी तक का एक अंजाम होता है। मतलब हम प्यार करते हैं और फिर साथ में रहना चाहते हैं, तो माता पिता की रजामंदी जो है उसको पहली प्राथमिकता दें, चाहे कुछ भी हो आप, क्योंकि वो उनको खुश रखकर या उनको खुश रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, और वो अगर खुश नहीं होंगे तो शायद हम जीवन भर कैसे खुश रह पाएंगे। मैं मानता हूँ सामाजिक ताने बाने कुछ हैं, वो सभी चीज़ें हैं, लेकिन आप इस चीज़ की हमेशा इज्जत करें और कद्र करें। दूसरी बात होती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं कि प्यार को मजाक में ले लेते हैं कि इनसे प्यार किया फिर छोड़ा, और इससे क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये लोग आपको झूठ बोलेंगे, ये लोग आपको झांसा देंगे, ये लोग आपको शादी के लिए या जो भी बातें उनके लिए डिले करेंगे, और वो जितना डिले होगा उतना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये बात हमेशा आप याद रखना। चौथा जो है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस युग में, कि हमेशा प्यार जो होता है निस्वार्थ भाव पर आधारित होता है, क्योंकि स्वार्थ जो है इस जीवन में हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन जो प्यार है वो निस्वार्थ भाव से होता है और वही ईश्वर होता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जब ईश्वर जिसकी जोड़ी बनाता है तो वो उसे अंजाम तक जरूर पहुँचाता है, पर आप जितना अब खुद जो कर्म की आज़ादी हम जितना देर करेंगे, जितना वक्त लेंगे और जितना हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे उतना तकलीफें हमारे साथ बढ़ेगी। इसलिए भी पॉजिटिव रहें, चीज़ों को बहुत ही सामान्य वे में लें और इनसे बाहर आ जाए।